कपड़े। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ अभी आई है। हाँ जी बोले। अब मैंने आपसे ये कहा है कि फाइनली बताएंगे कितने पैसे लेंगी आप। यार 3000 ज्यादा तो नहीं है का ज्यादा सर ने। ये आप रहते कहाँ पे हो? हेलो, मैं तो आपसे काफी दूर हूँ यार। फिर भी कितनी दूर? वो आपने राधिका पुल देखा होगा, उसके पास रहता हूँ मैं। कौन सा पुल? वो राधिका पुल बनी हुई है वहाँ पे। वहाँ रहते हो? कहाँ पे आपके? आप किसकी बात कर रहे हो? पास हो टपरी वास? पखरी वास नहीं है, वो राधिका पुल देखा हो जहाँ से आप वो पुल क्रॉस करते हो टूल लक्स के पास। अच्छा ज्यादा दूर नहीं है, अपनी कन्वेंस हो तो 20 मिनट का रास्ता है। क्या ये बताएं कि काम, मैं खुल के बात करता हूँ आपसे, काम तो सही होगा ना, पूरा होगा ना? जी यानी कि जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा ना, पीछे भी आगे भी और मुंह में भी? जी का होगा। हेलो, क्या कह रही आप? मैंने कहा एक दफा ट्रस्ट करोगे तो आपका किसी से बनता है ना रिश्ता जो भी, यानी किस तरह का होता है। अब जब एक बंदे ने यकीन ही नहीं करना, कहीं जाना है ये है वो है, तो यार हम भी यहाँ घर पे रहते हैं, हमारा भी अपनी रिस्पेक्ट है, ये है वो है, लेकिन बस हम अच्छे लोग कोई हो तो उसको ठीक है, अदरवाइज ये हर गंदे मंदिर को। आप लुक वाइज कैसे हो? लुक वाइज मेरी एज जो है ना, वो मेरी एज है 24। रंग मेरा गोरा ही है और पप्पू सा बच्चा हूँ मैं। जाहिर है यार, किसी के साथ ये सब करना और वो हो कोई गंदा मंदा दिल तो नहीं ना फिर वो करता? फिर ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि आपके पसंद का काम हो, फिर जाहिर है लड़की को ये भी तो होना चाहिए ना कि कोई अच्छा गुड लुकिंग ये वो हो तो फिर दिल करता है बंदे का खुद भी कुछ करने को। अच्छा तो खुल के बताओ कि क्या क्या करोगे। मैं 3 के बजाय 4 भी दे दूंगा, लेकिन खुल के बताओ क्या क्या करोगे। ये अब आप ना चस्के लेने वाली बात कर रहे हो, ठीक है ना? अब आप जब यहाँ पे आओगे ना, सब कुछ होगा ना, फिर आपको सब पता चल जाएगा, उसके मुताबिक पैसे दे देना। और बताओ। चस्के लेने वाली बात नहीं है, चस्के मैं क्यों लूंगा, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइनली पूछना चाहता हूँ कि बाद में होता है ना, मेरी बात सुनो, माइंड ना करना, बाद में होता है कि लड़की कहती है कि मैंने ये नहीं करना, मैंने जो है ना वो पीछे नहीं करवाना, मैंने मुंह में नहीं करवाना, ऐसा होता है ना बाद में? यार एनल टैक्स तो नहीं है, 2-in-1 का है सिस्टम, ठीक है? झूठ मैं आपसे भी बोलूंगी, पीछे वाला कोई सीन नहीं है, तो आगे मुंह में सकिंग वगैरह ये सब तो होगा ऑफकोर्स। लेकिन मेरी बात सुनो, उस दिन मैंने बात की थी जो पता नहीं आप नहीं थी, वो कह रहा था कि सब कुछ होगा पीछे मुंह में, हर चीज होगी पीछे वाले। हाँ है एक लड़की, लेकिन फिर जिस तरह की आप लड़की चाह रहे हैं ना वो नहीं है, ठीक है ना? यार मैंने कहा कि पैसों की आप फिक्र ना करो, कि पैसे जो है ना वो 3 से ज्यादा भी दे दूंगा, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। काम पीछे वाली फिर आपको मिलवा देंगे। चले आप एक दफा आके मुझसे डायरेक्ट मिलो, फिर मैं सारी बात बैठ के कर। मेरी बात सुनो, मैंने आपको देखा, मेरा आपसे दिल कर रहा है। जिसको भी देखोगे जो भी जैसी आप कहोगे वैसी आपको लड़की मिलवा देंगे, ठीक है ना? तो आप नहीं करवा सकते पीछे? मैं नहीं यार ये काम करती, रियली खुदा की कसम यार, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। यानी कि सिर्फ आप डीलिंग करती हैं? डेली भी नहीं करती, मेरे बस जो फ्रेंड है एक दो खास उनके साथ है रिलेशनशिप। मेरे साथ भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिससे आपकी बात हुई थी ना,
वो और मैं पार्टनर हैं, ठीक है ना, और हम मैं आगे लड़कियां जो हैं उनसे करवाती हूँ काम। आज भी दो लड़कियां आई हुई थी, वो अभी अभी घर गई हैं। मुझे पता होता आप तब भी ऑनलाइन होती तो मैं आपको दिखा देती, वो अभी घर गई हैं, ठीक है ना। तो मैं खुद ज्यादा ये काम नहीं करती, बस ये कोई अच्छा यानी कि मेरी पसंद का बंदा हो जो मुझे देख के अच्छा लगे उसका हो, वरना अदरवाइज नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझे पहले मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे पहले देख लो, देखने बाद तुम अभी डिसाइड कर लो कि तुम मेरे साथ करोगे या नहीं। मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड करता हूँ, अरे आपको लड़की मिलवा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस बात का कहीं हम, मैं अकेली थोड़ी हूँ यहाँ में, ठीक है ना। यानी बस आप ये बताओ आपने आना है नहीं आना, नहीं तो यार प्लीज टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है ना। अच्छा मैं ना निकलने से पहले आपको ना मैसेज करता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, तो मैं आपको अपना नंबर सेंड कर देता हूँ, आओ जिस नंबर पे रिंग कर दो। ओके ये नंबर अपना यहाँ पे टाइप कर दो। चलिए ओके बाय, अभी मैं कॉल कट कर रहा हूँ। नेट पे मेरा एक फ्रेंड बना था, फिजान लड़का, यहाँ रहता है मॉडल टाउन, वो भी आपकी तरह कर रहा था ना, ये होगा वो होगा। अब वो तकरीबन 6 महीने से रेगुलर यहाँ आता है, तो इतना यानी कि उसको ट्रस्ट हो गया। ये कंप्यूटर भी उसने मुझे लेके दिया था, वो यहाँ पे हफीज सेंटर में जॉब करता है, जॉब नहीं यानी कि उनका अपना बिजनेस है हफीज सेंटर में। तो रिलेशनशिप बनता है, ऐसे बंदा बहस ही करता रहता है तो फिर बहस ही करता रहता है, क्या ख्याल है। ठीक है फिर मैं आप